नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। आप जानेंगे इस खबर में यूपी के पंचायत चुनाव तथा इससे जुड़ी छोटे और बड़े खबर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पंचायत चुनाव से संबंधित ताजा अपडेट मिलते रहे। साथ ही न्यूज को लाइक करके आप यूपी के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का लाइक का लक्ष्य 100 रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। आइए डालते हैं पंचायत चुनाव पर एक नज़र। खर्चे की गाइडलाइन से प्रत्याशियों के उड़े होश, जाने कौन कितना कर सकता है खर्च। जी हां, जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खर्चे की गाइडलाइन से प्रत्याशियों के होश उड़ गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को मात्र 10,000 रुपये में चुनाव लड़ना होगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी 1.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। यूपी पंचायत इलेक्शन में नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर चुनाव आयोग को भेजा पत्र, जाने ताजा अपडेट। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगा जाना नियम संगत नहीं है। इस बारे में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कुछ जिला अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड और जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के बकायेदारों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। यह पंचायती राज नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है। इस पत्र के अनुसार अधिनियमों, नियमावलियों के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के इस विषय पर जारी निर्देशों के क्रम में ग्राम प्रधान, ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद पर नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों द्वारा ग्राम क्षेत्र व जिला तीनों स्तर की पंचायतों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा रहा है। जानिए कौन है दीक्षा सिंह, जो रह चुकी है मिस इंडिया रनर अप, पंचायत चुनाव में आजमा रही किस्मत। जी हां, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों के मैदान में जब से दीक्षा सिंह ने उतरने का फैसला किया तभी से वह चर्चा में है। अब उन्होंने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वह एक्ट्रेस मॉडल है, दीक्षा फेमिना मिस इंडिया की रनर अप भी रही है। मॉडल दीक्षा सिंह ने रविवार को जिला पंचायत के वार्ड संख्या 26 बक्सा से नामांकन किया है। जी हां, जौनपुर जिले के बक्सा ब्लॉक के ही चितोड़ी गांव की रहने वाली दीक्षा टीवी विज्ञापन में काम कर चुकी है। पिछले फरवरी माह में उनके एल्बम रब्बा मेहर करें ने खूब सफलता बटोरी है। जल्द ही उनकी एक वेब सीरीज भी आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए यूपी में धारा 144 लागू, चुनाव प्रचार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव 2021 में होने वाले प्रचार को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया गया निर्णय, सभी अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी पंचायत चुनाव में जाति समीकरण साधकर चुनावी बैतरनी पार करने के प्रयास में जुटी बसपा, जानिए कैसे। जी हां, जिला पंचायत सदस्य चुनाव में फतह हासिल करने के लिए बसपा ने जाति समीकरण को तवज्जो दी है। कई सामान्य सीटों पर सैंतवार बिरादरी के लोगों को टिकट दे दिया गया है, जबकि सामान्य महिला सीटों पर ओबीसी को भी टिकट मिला है। टिकट बंटवारे में यह प्रयोग जानबूझकर जातीय संतुलन बनाने के लिए किया गया है। हालांकि बसपा की यह रणनीति कितनी कारगर होती है या नहीं, यह नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन पार्टी के छत्रपों ने टिकट वितरण में जातीय समीकरण के अलावा क्षेत्रवार आबादी का भी ख्याल रखा है। यूपी पंचायत चुनाव में गलत भ्रामक सूचना फैलाने वालों की निगरानी बढ़ी, होगी कार्रवाई। जी हां, गोंडा डीएम मार्कंडेय शाही ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एसएमएस तथा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंटेंट जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो क्लिप तथा टेक्स्ट मैसेज पर विशेष निगरानी रखी जाए। इसके दृष्टिगत डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है। अपर जिला अधिकारी वीर बहादुर यादव को नोडल अधिकारी नामित करते हुए शिफ्टवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बैंकों ने 5 साल में स्टैंड अप इंडिया लाभार्थियों को 25,586 करोड़ रुपये मंजूर किए। जी हां, वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि बैंकों ने पिछले 5 साल में महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बीच
उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लगभग 1,14,322 लाभार्थियों को 25,586 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सब्सिडी योजना से छोटे किसान अब सामूहिक रूप से कर सकेंगे खेतों की तारबंदी, आवेदन 30 तक। जी हां, आवारा पशुओं से फसलों में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत संचालित कांटेदार चैन लिंक तारबंदी कार्यक्रम के तहत अब किसान सामूहिक रूप से एक जगह पर न्यूनतम 3 कृषक समूह जिनके पास न्यूनतम 3 हेक्टेयर भूमि हो तो उस पर सामूहिक तारबंदी करा सकते हैं। इसके लिए किसान राज किसान पोर्टल पर आवेदन अपलोड कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक कैलाश चंद्रवाल ने बताया कि राजस्थान तारबंदी योजना के तहत में अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई तक अधिकतम एक किसान को ₹40,000 का अनुदान दिया जा रहा है। जानिए प्रदेश में बेकाबू हुए कोरोना वायरस पर सुहाग नगरी में क्या बोल गए अखिलेश। जी हां, फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में सियर देवी माता मंदिर पर नेजा चढ़ाने आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार पर जमकर बरसे। वैक्सीन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार पहले गरीबों को वैक्सीन लगवाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों ने निदेशकों और डॉक्टरों को वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद कोरोना हो रहा है, सरकार इसका जवाब दे कि आखिर कोरोना क्यों हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने माता सियर देवी के दर्शन का उत्तर प्रदेश की खुशहाली मांगी है। नक्सली हमले पर उन्होंने कहा कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जनता ने भरपूर वोट देकर सरकार चुनी है, देश के जवान शहीद हो रहे हैं, मैं शहीदों के परिवार के साथ हूं और मांग करता हूं कि सरकार शहीदों का भरपूर सम्मान करे। आइए डालते हैं आज के आखिरी खबर पर कोरोना पर एक नज़र। जी हां, यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, एक मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील। जी हां, यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा, वहीं एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।